सो गाइस जब आप मैं आपको दिखाती हूँ एक और नई चीज़। जब आप रोप वे से आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक नया जो है इंट्रोड्यूस हुआ, अभी से एक साल ही हुआ है, स्नो व्यू पॉइंट डायनासोर पार्क। तो चले ये यहाँ का काउंटर है जहाँ से आप टिकट वगैरह कैरी कर सकते हैं, और ये भैया जी अवेलेबल करा रहे हैं। सो आइए चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। सी गाइस देखें, डायनासोर जो है वो स्वागत कर रहा है बच्चों का। और चलते हैं अंदर और चल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये जो है वो डायनासोर जो है वो आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। लुक पूरा पिक्चराइज किया गया है और बकायदा यहाँ पे एक व्यू दिया गया है इस तरीके का, और यहाँ पे इसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दिया हुआ है कि कैसे है क्या। और चलें चलते हैं। तो गाइस ये हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है डायनासोर, और जो बहुत भयानक सी आवाजें निकाल रहा है तो आप देख सकते हो। और अब चलते हैं आगे चल के ऊपर की साइड और देखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत व्यूज आपको दिखाई देंगे। और ये जो पार्क है वो एक साल हुआ है यहाँ ये खुले हुए, तो ओपन हुआ है ये लोगों के लिए और यहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल एक जंगल की तरह बनाया गया है। तो चले चलते हैं और चल के आगे का एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चले चलते हैं और चल के ऊपर की साइड और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, लेट्स गो। चलते हैं और चल के देखते हैं। ये देखिए सब ये दिखाया गया है कि डायनासोर का बच्चा अंडे से कैसे बाहर आ रहा है। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ का व्यू। सो देखें ये जो है वो आर्टिफिशियल वे में बनाया गया है। हाउ दे आर मूविंग, देखें देखिए बिल्कुल न्यू एडवेंचर है जो किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खुद एक्टिवेटेड नहीं है, इसके अंदर कोई पर्सन है जो कि चल रहे हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल के डायनासोर ही चल रहा है। तो लेट्स गो आगे चलते हैं। सी यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हो रहा है और बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है, ये आप देख सकते हो। और लोगों से मिलना, इंट्रोड्यूस, और आप देख सकते हैं ये देखिए। और चलते हैं और देखते हैं यहाँ के इमेज। ये देखिए एक नीला डायनासोर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, और ये उसकी, और ये पूरा एनवायरनमेंट जो है वो उसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। चले चलते हैं नीचे की साइड और देखते हैं यहाँ पे खड़े होकर। और ये एक फ्लाइंग डायनासोर उन्होंने दिखाया, पेट्रोसोरस का एक व्यू है जो दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी कैडी निकाल यार। और देख सकते हैं ये जो है वो व्यू हैं जो दिखाए गए हैं। और यहीं के साथ साथ इन्होंने एक अटैचमेंट रखा है एक पार्क का बच्चों का, जिसमें बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर हैं, उनके जो इन्होंने टॉयज़ वगैरह सब बना रखे हैं वो डायनासोर शेप में ही, और सब लोग जो हैं वो किसी ना किसी एक्टिविटी में आप देख सकते हो इन्वॉल्व हैं। और बहुत अच्छा सा एक लुक है, और ये यहाँ का एग्जिट है, हम उस साइड से आए थे और आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो है वो
यहाँ से बाहर वापस जा सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये वाला व्लॉग जो है वो पसंद आया हो। सो गाइज, आप यहाँ रोपवे पे आकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप पार्क में घूम सकते हैं, आप कई सारे एडवेंचर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग जो था वो यहाँ पे परफॉर्म करा रोप साइकिलिंग कर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके लिहाज से ख़ुद को भी ढालना और इंजॉय करना वो एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप सो गाइज कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप जब भी नैनीताल जाएं तो आप भी ऐसे जो एडवेंचर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग ही लगेगा। और कुछ ना कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी रहता है, और अगर ऐसा कुछ करने को मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली घूमना वगैरह तो रहता ही है नैनीताल में, लेकिन ऐसी भी एक्टिविटीज़ करना ये भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, जो कि मैंने भी किया है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। तो इस व्लॉग को प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।